छे दादी के दोस्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति की एक नेक के बारे में बताने जा रही दोस्तों, जिसे इस नेक का नाम है राई राई का लेखा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम मरने के बाद धर्मराज के घर पर जाते दोस्तों, तो वहां पर हमारे राई राई का हिसाब होता है, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का हिसाब होता है। मगर उस राई राई के हिसाब को यहीं पर ही हम लोग भगवान के द्वारा किस तरह क्षमा याचना मांगेंगे, वो मैं आपको एक कहानी के द्वारा सुनाऊंगी दोस्तों, बताऊंगी कि ये नेक कैसे किया जाता है। और इसकी कहानी मैं दोस्तों मारवाड़ी में सुनाऊंगी आपको। दो भाईया थी, जो कि एक तो राजा की बेटी थी और एक ही जो कि साधारण घर से थी, पर दोनों बहुत पक्की भाईया थी और दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो राजा की जो बेटी थी, बिना बहुत दान पुण्य करने को और धर्म पुण्य करने को बहुत ज्यादा शौक तो वह कंवारी कन्या का ब्याह कराती और दान पुण्य बहुत करती। फिर दोनों को ब्याह हो गयो, जड़ा बाजू भाई ली थी बाबी का पास, फिर भी ब्याह का बाद भी जाती भी सब मिलना है, जड़ा बार शादी का बाद जितो भी धन भी न हो तो बिन गरीबान न देने को, या कोई कंवारी कन्या को ब्याह कराना हो तो, या और भी कोई भी काम के लिए भी न धन देना हो तो आपकी भाई ली न देती थी। और वह भाई ली भी कोई बहुत चालाक होनी थी, पर आपका मन महसूस थी कि मेरी आप राजा की या जो रानी भाई ली है चिकी न कलप को तो दही को नहीं। तो वह भी बेचारी सुत मन की थी, वह भी ना के करती कलप देती और कलप का और फिर भी धन्ना काम लगा देती। आया करता करता कई बरस बीत गया, दोनों भाई ना वह दान देती और भी न देती, बोली तू दान करया। करता करता दोनों चढ़ी बुढ़ी होगी, तो जिस दिन मरनो थो तो दोनों चढ़ी का एक ही दिन का ऊपर जाने का टाइम आया। जना ऊपर दोनों चढ़ी गई तो राजा की जो रानी थी बिकली तो साधारण सो घर खुल्यो ऊपर, मतलब साधारण जी जंगा रही। और यह जो साधारण छोरी थी बिकी भाई थी बिकली स्वर्ग का पट खुल गया। जना रानी बोली बोली या के बाद बोली कि मैं तो धर्म पुन घणो ही करती, कदे कोई पाप को नहीं करी, कदे कोई जीव को न दुखाई को नहीं, कोई जीव हत्या को नहीं करी, फिर मन तो साधारण चंगा मिली और इन है जिको इतना स्वर्ग का पट निकली खया खोलिया। जना धर्मराज बिना आपको जो लिखो लेकर बैठो भी ना पूछो, तो वो बोलियो कि महाराज या रानी ही जिकी धर्म तो घणो ही करती, पर भी कोई भी सामान न दिती जिनकर ने कड़पती को नहीं। आपने मारवाड़ा में की वह कोई भी सामान आपा धर्मपुन को काटा बाणा छुत्ता काटा, जना दोनों हाथ में रोड़ी लेकर और दोस्तों या कल्प्या करा और भी का हाथ जोड़ा, जना वो सामान धर्मपुन का सामान में गिनो जावा बिना कल्पनो बोले। तो बोली या कड़पती को नहीं, और यही कि भाई ली जिकी को सामान लैड वो कड़प देती। तो ये सारो धर्मपुन एक नाम में लिखेड़ो है, ये राजा की रानी का नाम में तो कुनी लिखेड़ो। जना पा रानी बोली अभी को के करियो जावा, तो बोलियो कि मैंने पाछी भेज एक दिन के लिए। बिना धर्मराज ने बोली मैंने खाली एक दिन को दिन दे, तो मैं भी थोड़ा सो धर्म पुन कर काऊ कलप काऊ। जना भी का खूब अच्छा कर्म करे रहा था सारी जिंदगी, जना धर्मराज भी ना बोल पाछी नीचे धरती पर भेजो। तो बेटा पोता से डर गया, बोलिया कि रानी जिंदी होगी, रानी जिंदी होगी भूतनी बन गई। तो बोली नहीं मैं भूतनी को नहीं बनी, मैं है जिको आपको कलप का कुछ को नहीं दियड़ी, जिको वो ही काम करना नीचे पाछ आई हूँ। तो फिर भी का बेटा पोता खूब कलिए व्यवस्था करवाई, गरीबा कलिए दान करवायो, कंवारी कन्या कलिए ब्याह कलिए रुपया कटाया, जो जो भी सर बिको मन में ही कि मैं यो दान करूँ, बिकी सारी बैठे व्यवस्था हुई। और रानी बाने सह न बैठ कर कलपी और कलप के है जिको रानी की करी राई में एक कटोरी में राई भरी। पर रानी भी बुद्धिमान तो बहुत ज्यादा ही, तो वह बोली राई राई को हिसाब है जना मैं राई दान कर सू। तो एक कटोरी में की करी राई भरी और बिको पर रुपये का लिफाफा रख कर और ठाकुर जी के मंदिर में जाकर आपको जो घर कमाई नहीं जो मंदिर हो भी मैं ले जा कर रखी। और ठाकुर जी ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी महाराज, थारे द्वारा धर्मराज के पास मेरो राई राई को लिखो लिखेड़ो महाराज, मन तो कदे ही कौन बेरो थो कि कलप का देनो पड़े, मैं अनजाना मैं अगर जो भी चीजा कलप नो भूल गई हूँ तो महाराज वो मेरो पाछो मेरो धर्मपुन मने मिल जावे। और मेरा द्वारा कोई भी अगर कोई पाप कर्म करे रहा है तो ई जन्म में ही मेरा सारा पाप कर्म मने माफी शांत करो और मने माफी दे दियो। तो राई कटोरी में गाल है और रुपया को लिफाफो और पटा चढ़ाती। फिर ऊपर एक दिन भी को पूरा हो गया, जना बिना स्वर्ग से दूध लेना आया, स्वर्ग का पट खुल गया। दोनों भाई ने ऊपर गई,
और फिर सारी नगरी महिलो फिर आती हो कि भाई राजा की रानी के का गई है कि राई राई को हिसाब अठाई ऊपर जाकर देनो पड़े वो जिको सारो धर्मपुन तो है तो थे कलप का दिया करो जो भी थाने धर्मपुन देना हुआ जिको कलप का दिया करो। और संक्रांति के दिन एक कटोरी में चाहे चबा चांदी की हो चाहे स्टील की हो चाहे पित्तल की हो कटोरी में यहाँ राई भर के और भी ऊपर रुपया को लिफाफो रख कर और थारे घर में ही जो मंदिर है भी मैं भगवान का अगर रखती हूँ और भगवान ने बोलो कि भगवान धर्मराज का खाते में मारा राई राई का हिसाब है तो मारे से कोई भी बोल चुक हुई है तो भगवान थे भी ना माफ करवा दियो और महाराज जो भी अच्छा कर्म करी डे वहाँ का थारे हिसाब से जो उचित फल हुआ माना दियो। और दोस्तों या राई की जो कटोरी है या और ये लिफाफो आपकी बहन बेटी ने दियो जावे दोस्तों आपका घर में को नहीं रखो जावे भगवान का चढ़ा के आपकी जिकी भी बहन बेटी वह भी ना दे देवे और नई बहन बेटी कोई का घर में हुए तो ब्राह्मण की छोरी ना दे देवे या मंदिर में चढ़ा देवे करे इन्हें राई राई को हिसाब के दोस्तों। ये अपने लोग संक्रांति के मकर संक्रांति के दिन करते हैं दोस्तों। ये मकर संक्रांति के नेक में गिना चाहते इसको राई राई का लिखा कहते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।